नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नज़र। तारांकन आम जनता की अदालत में नहीं पहुँचे 17 प्रत्याशी। धनबाद लोकसभा का सर्वांगीण विकास करूंगा, जहीरुद्दीन धनबाद। मिशन एयरपोर्ट धनबाद के तत्वावधान में रविवार को श्री अग्रवाल धर्मशाला झरिया में नो योर कैंडिडेट जनता के बीच होने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद लोकसभा चुनाव के मात्र 8 उम्मीदवार उपस्थित हुए। कार्यक्रम में धनबाद के हक की बात पर विस्तृत चर्चा हुई। सभागार में उपस्थित लोगों ने मंच पर उपस्थित उम्मीदवारों से कई तरह के सवाल पूछे। धनबाद में एयरपोर्ट, कोयलांचल का प्रदूषण, कोयला क्षेत्र में भूधंसान एवं विस्थापन, झरिया की भूमिगत आग, अच्छे अस्पताल की कमी, प्राइवेट स्कूलों में बेतहाशा बढ़ती फीस, धनबाद में पेड़ पौधों की कटाई, पर्यावरण, वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियां जैसे चुभते सवाल पूछे गए। अपने आप को प्रमुख प्रतिद्वंद्वी और बाहुबली उम्मीदवार इस कार्यक्रम में भाग न लेकर आम जनता के सवालों से अलग थलग दिखे। अपने प्रतिनिधियों को भी भेजना उचित नहीं समझा, जबकि विधिवत रूप से कार्यक्रम के आयोजकों ने उनसे मिलकर आमंत्रण पत्र दिया था। कार्यक्रम का उद्घाटन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि धनबाद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की शिक्षा चरित्र को देखकर वोट करें। यदि आपका सांसद ईमानदार होगा तो क्षेत्र का विकास निश्चित है। मंच पर उपस्थित उम्मीदवारों में वरिष्ठ पत्रकार और पानी टंकी चुनाव चिन्ह पर खड़े उम्मीदवार जहीरुद्दीन खान के अलावे आनंदिता दास, प्रेम प्रकाश पासवान, लक्ष्मी देवी, मोहन सिंह यादव, जनक साह गौड़, संजय कुमार गिरी, केसी सिंह ने अपने अपने विचारों से अवगत कराते हुए आम जनता के सवालों का बारीक बारी से जवाब दिया। कार्यक्रम का संचालन अनिल जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन अखिलाक अहमद ने किया। सभागार में सर्वश्री दलीप सिंह राजपाल, प्रदीप सिंह, असलम खान, मुन्ना खान, साधु सिम्हा, अमजद अंसारी, आर के प्रसाद, जगदीश गुप्ता, डॉक्टर दिलीप कुमार, अमरेंद्र झा, सरयू प्रसाद, श्रीकांत अम्बाष्ट सहित गणमान्य लोग उपस्थित। चुनाव आयोग का निर्देश है एक लोकसभा में 90 लाख ही आपको खर्च करना। 90 लाख एक जो है राशि दी गई है और मुझे लगता है कि यहाँ टिकट करोड़ों करोड़ में लेकर लोग आ रहे हैं और 90 लाख क्या 5 करोड़ 10 करोड़ के दिन में खर्च हो रहा है। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग का कैमरा कहाँ पर है? वो कैमरा जो है क्यों नहीं कर रहा है? लोगों को दिखा रहा है आज का जो है कांग्रेस या बीजेपी जैसे जो प्रत्याशी उनका जो है कार्यकर्ता धनबाद लोकसभा में नहीं था आप सभी को इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपना 25 मई को आप अपना कीमती वोट, एक एक कीमती वोट, बैलेट पेपर के 17 नंबर पर पानी टंकी प्रमुख समस्या धनबाद में, खासकर झरिया में तो पानी की समस्या है और मैंने पानी टंकी को ही च्वाइस किया था। यह अलग बात है कि एक प्रत्याशी ने और किया था और डीसी मैडम ने जो है नौकरी किया और उसमें भी हमारी जीत थी। तो यह चीज जो है 25 तारीख के बाद भी बनी है और आप लोगों का इसी आशीर्वाद के साथ मैं जो है आपके साथ कंधा मिलाकर चलूंगा। आज जीत भी अपनी जगह पर है। आप जब मुझे चुनाव के बाद भी याद करेंगे मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहें हमारे साथ। केसीएन टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।